मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 7 मार्च की सुबह के SkyMet के वेदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो मौसम ने फिर से करवट ली है। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद ओले जो गिरे थे और वो बारिश हुई थी उसके बाद तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरे, यानी ऐसा लग रहा था कि सर्दी जाते जाते रुक गई और फिर से जो कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप फिर से बढ़ गया है, जैसे कि पहाड़ों पर सर्दी बढ़ गई है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के है, दिल्ली है, यहाँ पर फिर से टेम्परेचर गिर गए हैं और सुबह और रात की सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और लेकिन हालांकि अब क्योंकि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ऑलरेडी पहाड़ों पर है, ये आज भी स्नोफॉल देगा पहाड़ों पर और 8 तारीख को जो स्नोफॉल होगा केवल अपर रीजन यानी ऊंचे पहाड़ों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। उसके बाद 9 तारीख को मौसम साफ रहेगा और ये पिछला अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये फिर से पहुंचेगा और ये इस तरह से आगे आता रहेगा और ये 10 तारीख को पहुंचेगा और 10 से 14 तारीख के बीच में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएंगे पहाड़ों पर। इनका जो असर है वो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा और 14 तारीख तक पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, यानी 12 और 13 तारीख को जो इंटेंसिटी होगी बर्फबारी की वो काफ़ी ज़्यादा होगी और एक बार फिर से जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएंगे तो 15-16 तारीख से तापमान फिर से उत्तर भारत में गिर सकते हैं। वो क्यों गिरेंगे? जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होता है तो हवाएं इस तरह से घूमने लग जाती हैं, ये जो हवा है इस तरह से घूमती हैं और उत्तरी हवाओं को रोक देती है, जैसे पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ। और जब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, समझ लीजिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँच गया, आगे चला गया, तो क्या होगा कि हवाएं जो घूम रही हैं वो इधर चली जाएंगी और ये इस तरह से आ जाएंगी, यानी कि उत्तर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो यहाँ पर पहले जो इस तरह से घूम रही थी वो ये सीधी सीधी आ जाएंगी, ऐसे जो काट रही थी सभा को वो उत्तर पश्चिम दिशा से ये पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो चुकी होगी वहां से आएंगी, जिससे कि तापमान को गिरा देंगी। तो ये लौट लौट करके सर्दी आती रहेगी ये उत्तर भारत में और मध्य भारत में। अभी तापमान आज से यानी कल से 8 मार्च से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर से जो मिनिमम टेम्परेचर डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे पूरे उत्तर भारत के। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14-15 तारीख को पास हो जाएगा, आगे चला जाएगा, फिर से बर्फीली हवाएं चलेंगी और जो तापमान को गिराएंगी, तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 तारीख के आसपास या 14 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, उससे पहले कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम साफ रहेगा और टेम्परेचर अब धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही हरियाणा और दिल्ली का हाल है, यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे पहुंचे हुए थे वो धीरे धीरे सामान्य के आसपास आएंगे और फिर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आएगा, आप कह सकते हैं कि 12 से लेकर के 14 के बीच में आएगा, तो ये जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है वो 13 मार्च को पूरे पंजाब, हरियाणा, यहाँ से लेकर के ये राजस्थान वगैरह इन सारे इलाकों में 13 मार्च को होगी। और उसके बाद ये वेदर एक्टिविटी थोड़ा सा पंजाब के उत्तरी भागों में और ये हरियाणा के उत्तरी भागों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 14 तारीख को चली जाएगी। यानी अभी का आंकड़ा यही दिखा दे रहा है, यानी कि आंकड़ा कह लो या ये कह लो कि अभी जो मॉडल है वो इसी तरह का वेदर दिखा रहा है। और अगर और आगे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश का मौसम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 13-14 तारीख को बारिश दिखाई दे रही है, उससे पहले ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जो अभी चल रहा है ये, उसके बाद 10-11 को आएगा, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा और उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे, दिन और रात के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। और वैसे ही बिहार और झारखंड में भी मौसमी गतिविधियां नहीं है और आगे भी नहीं है, यानी कि अगला 10 दिन जो है वो बिहार और झारखंड के लिए पूरी तरह सूखा रहने वाला है। उसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान और गुजरात की बात करें, तो ये जो हवाएं अभी आप देख रहे हैं ये 24 घंटे के बाद थम जाएंगी, यानी कि इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये फिर से घूमने लग जाएंगी। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो गिरावट देखी गई थी वो फिर से बढ़ने लग जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में,
चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के बीकानेर और जयपुर वगैरह के कुछ इलाकों में हो सकता है कि 13 तारीख को बारिश आ जाए, एक दो स्थानों पर ओले गिरे। लेकिन अभी इसका कहना पूरी 100% पूरी तरह से नहीं कह सकते, अभी का इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं और गुजरात के इलाके और मध्य प्रदेश के सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, ग्वालियर संभाग में 13 तारीख को बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन 14 तारीख होते होते बारिश फिर से समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरा सूखा रहेगा। उड़ीसा में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर तटीय उड़ीसा में हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं, बादल छा सकते हैं, उसके बाद मौसम उड़ीसा का भी साफ हो जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो उत्तर और उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं उसके कारण आज भी तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे, लेकिन कल 8 मार्च से धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और 10-11 तारीख तक सामान्य से ऊपर तापमान पहुंच जाएंगे। जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सर्द हवाएं चल रही थी वो भी अब रुक जाएंगी, क्योंकि हवा का डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्टर्ली जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो रुक जाएंगी और फिर से तापमान बढ़ने लग जाएंगे। तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर एक एंटीसाइक्लोन इसके पास बना हुआ है, तो यहाँ का मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। तमिलनाडु, केरल और जो कर्नाटक के कई इलाकों में भीषण गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी केरल में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गोवा से लेकर के लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगा है, लेकिन अभी भी अगर आप घूमना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। पहाड़ों पर अगर आपने अभी तक का स्नोफॉल मिस किया है तो अभी आज जो स्नोफॉल है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12-13 तारीख को आप फिर से प्लान बना सकते हैं मार्च के महीने में, और उस समय पूरे पहाड़ों पर आपको अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।